Hold on. Hold on. I wanna go. अस्सलाम वालेकुम, आई एम राव रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज हम स्पेशली आए हैं, खास तौर पे हमारा एक दोस्त है, वो बाहर जा रहा है टूर वीजे पर, उसको छोड़ने के लिए हम आए हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे साथ ये मौजूद है लंगूर, लग रहा होगा आपको, ये हमारा दोस्त है, ये जा रहा है बाहर टूर पे। लेकिन यार इतनी खुशी इसको नहीं हो रही जितनी खुशी हमें हो रही है, क्योंकि ये अभी निकला नहीं है पाकिस्तान से और मौसम अभी से अच्छा हो रहा है, मतलब बुराई जा रही है पाकिस्तान से ना। आप लोग देख सकते हैं इधर भी एक यार फोटो बना दिया मैं। ओके ओके लोरी पाई है शक्ल भी, तो लग रही होगा लोरी प्यारा यार, बाकी तुम बहुत प्यारे आ रहे हो। How I reached at Lahore Airport। जिंदगी में एक ही ख्वाहिश थी यार, असल वाले बड़े बड़े जहाज देखने, लो जी फिर फैसल मूवर्स में वीआईपी बिजनेस क्लास सीट में 3000 पूरा भर के भाई चलिया बहावलपुर टू लाहौर। ओ तेरी खैर, 3000 रुपये में भाई ठंडे पानी की बोतल दे रहे हैं, डब्बा इसके अंदर पता नहीं क्या लग रहा है, ओहो लेग पीस लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता लेग किस चीज़ की है। वीआईपी, ओहो ड्राइवर भाई चिल करके गाड़ी चला रहे हैं, मोटरवे पे मस्त जा रहे हैं, भूख लग रही है, चलो देखते हैं डब्बे में क्या था भाई, ओपन करते हैं। ओह यार ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे, ये पता नहीं क्या लग रहा है, ये तो कुछ और ही है, ये पता नहीं क्या यार, ये तो ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, ना कोई बर्फी लग रही है, पता नहीं भाई ये है क्या चीज़, चलो टेस्ट करते हैं ये इसको ना। ये तो वो वाला केक लग रहा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, ओह सारे टेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया यार, ये क्या था शुगर फ्री भाई, ये किसके लिए रखा हुआ, ये तो वो है जो बच्चे रोते हैं उनको खिलाते हैं। चलिए आइए दूसरा टेस्ट करते हैं। आय हाय यार मैं तो लेग पीस समझा था, ये तो कुछ और ही निकला भाई, ये तो पहले वाला भी वापस आ रहा है, चले इसको रख देते हैं। गाड़ी वाले ने बहुत प्रैंक कर लिया, अब दिल कर रहा है कोई मूवी हो जाए सल्लू भाई कतरीना कैफ की, चले इनका चेक करते हैं एलसीडी में क्या रखा हुआ, अभी लग तो बड़ी पुरानी पुरानी मूवीज रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रैंक होने वाले, चले हम चेक करते हैं। अरे यार ये क्या, ये तो कार्टून टाइप लग रहा है, मतलब 3000 रुपये देखे भी कार्टून ही देखने हमने गाड़ी में आके, यार मतलब ये चीज़ें तो दूसरी लोकल गाड़ी वाले भी देते हैं, इनको कुछ 3000 रुपये में कुछ अलग देना चाहिए, मतलब यार सीट के अलावा कुछ और भी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं तो डर गई यार, मतलब 102 कबूतर हो गए यार, इन्होंने तो जिंदी निकाल दी मेरी। चलो जी लगता है लाहौर पहुंचने वाले हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बस लाहौर पहुंचने वाले हैं, चलो जी ये बस रात का टाइम हो गया, ये लाहौर पहुंच गया, अब मैं जा रहा हूँ दोस्त के हॉस्टल, वहाँ जाके तैयारी पकड़ते हैं, फिर जाना है एयरपोर्ट, वहाँ से सीधा लगता है हॉस्टल आने ही वाला है, मतलब होटल यार होटल। लो जी सरप्राइज, ये तो ऐसे पिक्चरें बना रहे जैसे पाकिस्तान से बाहर जाके इनको पिक्चर बनाने ही नहीं देनी, देखो यार चेक करो, मतलब लोग बाहर पिक्चरें बनाने जाते हैं दूसरे कंट्रीज में एंजॉय करते हैं, ये यहीं पर एक रूम में एंजॉय करें, पोस्ट चेक करो बच्चे के बाद जी। चलो यार निकलो देर हो रही है, इनको लेके निकलते हैं, चले भाई टाइम होने वाला है पूरा एयरपोर्ट का, चले चलते हैं, आइए भाई अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, चले आइए चलते हैं। लो जी अब हमने इन ड्राइव पकड़ी और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, यार थोड़ी सी बोरिंग सी हो रही है, रास्ते में हमने ड्राइवर को बोला लाहौरी को होते हुए भाई बोरिंग, मतलब कोई म्यूज़िक श्यूज़िक चलाओ भाई, फिर देखिए उसने कैसा म्यूज़िक चला दिया। लो जी देखते ही देखते अब हम पहुंच गए लाहौर के एयरपोर्ट पे, वाह जी क्या रौनक लगी, लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। फिर मुझे एक चीज़ ही समझ नहीं आई, इन्होंने इतने सारे रंगीन परचम लगाए हैं भाई, किस लिए लगाए हैं, इनका मतलब समझ नहीं आया, पाकिस्तान का तो एक ही झंडा है यार, ये क्या चल रहा है। ये देखें कितनी प्यारी सी बिल्डिंग बनी है, इल्लामा इकबाल मतलब नाम है एयरपोर्ट का, ये हम वहाँ पर पहुँच गए, ये आप देखें कितनी बहुत रश लगा हुआ है भाई, मतलब एक बंदे के लिए 10-10 घर से फैमिली मेम्बर आए हुए छोड़ने के लिए, मतलब जैसे जैसे लंगर बन रहा हो आवाम तो ऐसे आ रही है एयरपोर्ट पे, एक बंदे ने जाना होता है साथ में 30 की पलटून चल पड़ती है। ये देखिए गाड़ियों की लाइन मतलब रात को रोने की लगी हुई है यार। लाहौर में आके जो सबसे बड़ा मसला होता है जेब कुतरों का, सबसे बड़ा मसला होता है, लेकिन मुझे जेब कुतरों का मसला नहीं, मेरे साथ एक मौजूद है इसका मुझे बहुत डर लगता है, ये सबसे बड़ा जेब कुतरा मेरे साथ है। यह जिंदगी में एक ही शौक था कब बड़े होकर जहाज देखेंगे, तो इसलिए मैं आज जहाज देखने लाहौर आया, लेकिन यहाँ पर ऐसे जहाज नजर आ रहे हैं, मुझे जहाज है मुझे सामने बातें कर रहे हैं, मुझे खुशी थी कि जहाज देखूंगा, लेकिन यार बहुत जल्द बैठोगे
तो मेरे जहाज में बैठ यार, मुझे लगा था ना अड्डे पे जाएंगे जहाज नजर आएंगे, लेकिन यार सीन कुछ ऐसा है कि मतलब यहाँ अंदर जाने नहीं देते, बस यहाँ तक आके छोड़ दो और वापस घर चले जाओ। अच्छा ये हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई आप भी पाकिस्तान से भाई जा रहे हैं? ना 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 ना, वैसे ये चले जाए तो अच्छा होगा, इनकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान में ना। अच्छा मेरा भाई से क्वेश्चन है कि आप किस किस कंट्री में घूमने जा रहे हैं? थाईलैंड, मलेशिया और दुबई, तीन कंट्री में घूमने जा रहे हैं आप। अच्छा पाकिस्तान से आप बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है जिसको आप वहां जाके मिस करेंगे? कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में, ऐसी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में? खड़े हो भाई बेइज्जती कर रहे हो पाकिस्तान की। अपना घर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप कौन कौन सी कंट्री बताया आपने? थाईलैंड, मलेशिया, दुबई। थाईलैंड की सबसे खूबसूरत चीज ऐसी क्या है जिस वजह से आप थाईलैंड जा रहे हैं? स्काई डाइविंग। अब आपको दिखाते हैं स्काई डाइविंग क्या होती है, लड़की पे गौर नहीं करना आपने, देखनी स्काई डाइविंग क्या होती है भैया। ये देखिए यहाँ से जहाज से छलांग लगवाते हैं, मतलब पैसे लेके और आपको फेंकते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, इतने ऊपर से फेंकते हैं, बड़ा VIP लेवल का सीन होता है। ये देखें ये किस तरह घूम रहे हैं हवा में मज़े से यार, मतलब यार बिजनेस अच्छा है अगर बंदा स्टार्ट करना चाहिए तो, लेकिन इसके लिए बंदे के पास अपने हेलीकॉप्टर होना चाहिए। यार मुझे भी कोई गिफ्ट कर दो, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। यार देखिए कितने मज़े से घूम रहे हैं यार ये तो। दूसरा कंट्री आपने कौन सा बताया? मलेशिया। मलेशिया में ऐसी क्या खास चीज़ है? नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी मतलब पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी है ही नहीं है, देख रही है, एक्सप्लोर कर रही है सारी। हम देखिए आप लोगों के स्पोर्ट से मैं कितना अमीर हो गया, मैं भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। ये तुम्हारे जो तुम लोग लाइक कमेंट करते हो ना शेयर करते हो, उसकी वजह से इतना पैसा आ गया एक रात में भाई।